हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 32, पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम प्लेन फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे, और ये एरिया और पेरीमीटर होता क्या है ये देखिए। सबसे पहले जैसे आपके पास एक फिगर्स हैं, ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये एक रोम्बस है, तो हमें इनका पेरीमीटर अगर निकालना है तो पेरीमीटर आपके पास होता क्या है। पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर की सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स अब सारी साइड्स को ऐड कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। जैसे एक ट्रायंगल है, इसकी थ्री साइड्स की लेंथ दी हुई है 3.5, 4.5, 4 सेंटीमीटर। हम इन सबको अगर ऐड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर है, फोर साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। अगर हम इनकी इसकी फोर की फोर साइड्स को ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए सबको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो किसी भी क्लोज फिगर की सारी साइड्स को ऐड कर दे तो वो उसका क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज़ अ लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। उसकी बाउंड्री को लेंथ, उसकी बाउंड्री की लेंथ को ही उसका पेरीमीटर बोलते हैं। अब आप ये देखिए, फिगर किसी भी शेप, जैसे एक एरो है, यहाँ पे एक प्लस का साइन बना हुआ। किसी भी क्लोज फिगर को, क्लोज फिगर का पेरीमीटर निकालोगे उसकी सारी साइड्स को ऐड करके। जैसे अब मैं आपको, ये तो किसी फिगर का सिंपल निकालने का हो गया, हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं पेरीमीटर करने के लिए। जैसे हमारे पास आप सबसे पहले 32A क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ से हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज फिगर। हमारे पास टू क्लोज फिगर्स दी हैं, हमने इन दोनों फिगर्स का क्या निकालना है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर हम, मैंने आपको भी बताया, सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल्स है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे वन, ये वन लाइन है, यहाँ पे वन लाइन मींस ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे टू लाइंस हैं, यहाँ पे टू है, ये 15 है, तो ये भी साइड 15 होगी। ऐसे ही ये साइड हमारे पास क्या है, इस पर थ्री लाइन्स हैं, सेम सिंबल, ये भी 10 है, ये 25 है, तो ये भी 25 है। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे। अब साइड्स क्या क्या है हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 प्लस 5, देन ये 10 है, मैंने आपको बताया, तो ये भी 10 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 प्लस 10, 15, ये भी 15 है, दिस, देन 15 प्लस 15, 25 प्लस 25। अब हम सबको ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, ये भी 30 हो गया, 25 प्लस 25 50, 30 प्लस 30 60, 60 प्लus 50 110 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। पेरीमीटर के साथ जो भी हमें यूनिट दिया, जैसे सारे सेंटीमीटर्स में, तो हमने वो यूनिट साथ में लगाने, आंसर आ गया 110 सेंटीमीटर। अब आप नेक्स्ट फिगर में देखिए, यहाँ पे 4 है सिंगल लाइन, यहाँ पे भी सिंगल, तो ये भी 4 है और ये भी 4 सेंटीमीटर है हमारे पास। ये तीनों 4 सेंटीमीटर आ गए, ये भी 4 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये भी 4 है, ये 20 है, ये भी 20, यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, ये भी 20 है, यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, सेम सिंबल है, ये भी 2 है, यहाँ पे भी सेम लाइन है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। हमने सबकी डिमेंशन लिख लिया। हमें किसको क्या करना है, ऐड, 4 प्लस 4 प्लस 4 हम इनको ऐड कर देंगे, देन 8 प्लस 8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने, 4 प्लस 4 प्लस 4, देन 8 2 टाइम्स आ रहा है 20 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, 20 प्लस 20 प्लस 20, हम इन सबको ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4 12, 8 प्लस 8 16, 23 टाइम्स आ रहा है, तो 60 हो गया, यहाँ पे हमारे पास ऐड करके आ गया 88 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमें किसी भी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालना है, उसके सारी साइड्स को ऐड करके। अब हम करते हैं, पहले जो टू मेन फिगर्स हमें करनी है,
स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का, उनके लिए फॉर्मूला भी है उनका एरिया एंड पेरीमीटर का। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइड जैसे ए बी सी डी स्क्वायर की सारी साइड सेम है, सो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, हम सारी साइड्स को प्लस भी कर सकते हैं, बट इसके लिए एक फॉर्मूला भी है जो हमें अप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, कि उसकी साइड की जो भी लेंथ होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×5 = 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल की, सपोज ये है 6 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो हर फिगर का यही है, सम ऑफ ऑल साइड, बट स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है और हमने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 × L + B, ये होती है लेंथ और ये है ब्रेथ आपके पास। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 × लेंथ किस प्लेस पे 6 + ब्रेथ, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। तो पहले आपको इसको प्लस करना है अंदर, 6 + 2 = 8, 2 × 8 = 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अगर आपको सिंपली ऐड करते तब भी सेम आना था, 6 + 6 = 12, 12 + 4 = 16। तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है किसके लिए, कोई भी इरेगुलर फिगर होगी, जैसे जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के अलावा कोई फिगर आएगी तो आपको सम ऑफ ऑल साइड सारी साइड्स को ऐड कर देना है। स्क्वायर और रेक्टेंगल आएगा तो आपको ऐसे फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर का 4 × साइड एंड रेक्टेंगल का 2 × L + B। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस। हमें लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पार्ट 1 एंड ब्रेथ इज 35 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। अभी अभी हमने देखा पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 × L + B, 2 × 40 + 35, देन इनको ऐड कर देते हैं। अब इनको ऐड करके हमारे पास 75 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया आंसर 150 सेंटीमीटर। पार्ट टू में हमें लेंथ दी हुई है 10 मीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 8 मीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा पेरीमीटर का, क्या है, 2 × L + B, देन 2 × लेंथ कितनी है 10 + 8, 2 × 18, 2 × 18 = 36 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 3 में आप देखिए, यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है 8 मीटर एंड ब्रेथ है 80 सेंटीमीटर। जब भी आप एरिया पेरीमीटर निकालेंगे आपके यूनिट सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ पे लेंथ मीटर में है एंड ब्रेथ किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमें पहले यूनिट्स को सेम करना होगा। यहाँ पे हमने लेंथ एंड ब्रेथ लिख ली है, हम ऐसे करते हैं, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ब्रेथ है, लेंथ है 8 मीटर, 8 × 100 हमारे पास आ गई लेंथ 800 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, 2 × L + B, देन आप लिखो 2 × 800 + 80, कितना आ गया हमारे पास 880, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे हम 1760 सेंटीमीटर। अगर हमें बुक में पूछा हो कि आपको आंसर मीटर में देना है तो आप क्या करोगे, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो जब भी आपने सेंटीमीटर से मीटर बनाना है
तो आपको 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप 760 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 00 कट गया, ये डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर इतना। जहाँ आप 0 नहीं भी कट करोगे सीधा भी ऐसे लिख सकते हो, 2 जीरो से नीचे 2 यूनिट छोड़ के डेसिमल लगा के मीटर्स में आंसर लिख दोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।